हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर तबला ट्यूटोरियल। तो आज हम एक टुकड़ा कॉम्पोजिशन करेंगे। टुकड़ा इज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन इन तबला रेपर्टोर। ये तीन ताल में है, तो 16 मात्रा। पहले पढ़ंत करते हैं, पहले देखते हैं टुकड़ा के बोलवानी क्या है। कट तेटे घे घे तेटे क्रेधे तेटे घे घे तेटे क्रेधा अन धा गत दी किट तक ता धीरे धीरे किट तक तक किटे धा ती धा धीरे धीरे किट तक तक किटे धा ती धा धीरे धीरे किट तक तक किटे धा ती धा। एज अ होल तो ये कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, बट उससे पहले शुरुआत में इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो कॉम्पोजिशन से ये टुकड़ा बना है, तो हम उनको भी एज इंडिविजुअल फ्रेजेस हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे दो फायदे होंगे। एक तो टुकड़ा एज अ होल अगर बड़ा भी लगे, अगर समझ में ना आए, याद भी ना आए, तो हम सेक्शन वाइज हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। एंड सेकेंड फ़ायदा ये होगा, जब हम इन्हें सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो ये फ्रेजेस कई कई बार, ज़रूरी नहीं है कि अगर तीन ताल का ही बोले तो 8 मात्रा का हो या फिर 16 मात्रा का ही हो। ये फ्रेजेस के जो कॉम्पोजिशनिंग है, ये कई कई बार 4 मात्रा, 6 मात्रा, 7 मात्रा, 9 मात्रा, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें अलग अलग मात्रा के लूप्स में प्रैक्टिस करने को भी मिल जाता है। जो एज अ होल अगर आप टुकड़ा को बजाओगे तो वो सिर्फ आप 16 मात्रा में ही प्रैक्टिस करोगे बार बार। बट जब जैसे आप इसमें ये है कत तेटे घे घे तेटे क्रेधे तेटे घे घे तेटे, तो ये 8 मात्रा का लूप हो गया। तो इसको आप जब बजाओगे तो चलो 8 का ही प्रैक्टिस हुआ। फिर एक है इसमें क्रेधा अन धा गत दी किट तक ता, ये 7 मात्रा का लूप हो रहा है। तो अगर आप इसे बार बार बजाओगे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप 7 बीट्स में घूम रहे हो। तो उससे आपका प्रैक्टिस, आप तीन ताल का टुकड़ा ही कर रहे हो, बट जब आप उसके पार्ट्स को प्रैक्टिस करते हो तो आपके अलग अलग बीट पैटर्न्स भी थोड़े बहुत सबकॉन्शियसली आने लगते हैं, विच कैन हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। मेरे साथ तो ये करता है बहुत फ़ायदा। सो फर्स्ट सेक्शन इज कत तेटे घे घे तेटे क्रेधे तेटे घे घे तेटे। कैसे बजेगा ये? कत तेटे घे घे तेटे क्रेधे तेटे घे घे तेटे। ओके, फिर से देख लेते हैं। कत तेटे घे घे तेटे क्रेधे तेटे घे घे तेटे। तो इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। दिक्कत कहाँ पे आ सकती है किसी किसी को? ये क्रेधे तेटे बजाने में, क्रेधे। तो जैसे हम तेरे केटे का प्रैक्टिस करते हैं, तेरे केटे के अलग अलग कॉम्पोजिशनिंग्स, अलग अलग फ्रेजेस को प्रैक्टिस करते हैं तेरे केटे को बिठाने के लिए, वैसे ये अलग अलग फ्रेजेस है, इनको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है अलग अलग, ताकि इन भी अच्छे से बैठे। तो क्रे धे ते ठे घे घे ते क्रे धे ते ठे घे घे ते क्रे धे ते ठे घे। आप सिर्फ क्रेधे तेटे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको वो इनिशियली दिक्कत आ रहा है क्रेधे तेटे बिठाने में। जैसे वो बैठ जाता है, फिर आप ये लॉन्गर फ्रेज क्रेधे तेटे घेघे तेटे को प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब ये हो जाए तो ये फुल जो 8 बीट का फ्रेज है कत तेटे घेघे तेटे क्रेधे तेटे घेघे तेटे, फिर इसको डबल स्पीड में या फिर थोड़ा सा और धीरे धीरे से कत तेटे घेघे तेटे घेघे तेटे घेघे तेटे कत घेघे तेटे घेघे तेटे घेघे तेटे। तो जब आप ये इंडिविजुअल फ्रेजेस को पार्ट प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं ये और एक जगह पे काम आता है कि आप जैसे आप पिकअप सोचते हो, आपको कुछ अकंपनी कर रहे हो किसी को, तो आपको अलग अलग पिकअप्स चाहिए। तो आप जो ये इन्हीं सब कॉम्पोजिशंस के पार्ट्स को जब प्रैक्टिस करते हो तो ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड में जब बैठ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये एज अ पिकअप्स भी आप यूज़ हो जाते हैं। जैसे अगर मैं ये अगर ये मैं एक ऐसी कह रहा था हल्का फ्रेज दा दा दे ना ते 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 ता ता ते ना दिन दिन दा दा दे ना ते ता ते ना दिन दिन, तो इसका पिकअप मैं यूज कर सकता हूँ कट ते ते के के ते ते के ते ते के 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 ते ते दा दा दे ना ते ते ना दिन दिन दा दा दे ना ते। इसको फिर डबल में भी यूज कर सकते हो, जैसे धा धा के ना ते 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 कट ते के ते के ते ते के ते ते धा धा के ना ते 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 ता ता के ना। जैसे जैसे फ्रेजेस को समझोगे, पार्ट प्रैक्टिस करोगे, तो आपका वोकैबुलरी इंक्रीज होता जाएगा एंड देन यू कैन
अगर आपका रिदम स्ट्रांग है तो आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन क्रेधा अन. अब मैं क्रेधा अन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं मात्रा को दिखा रहा हूँ, बट अगर मैं नॉर्मली बोलूंगा तो क्रेधा अन था गत दी किट तक था. सो मैं क्रेधा अन था ऐसे बोलूंगा, बट उसको समझने के लिए उसे स्पेसिफिकली मैं दिखा रहा हूँ. क्रेधा अन धा गत दी किट तक था. सो क्रेधा अन धा गत दी किट तक था. सेवन बीट्स. ओके, तो ये सेवन बीट्स का लूप है. क्रेधान, सो क्रेधान कैसे बजेगा? क्रेधान धा गत दी किट तक था. क्रेधान धा गत दी किट तक था. सो गत दी किट तक था. क्रेधान धा गत दी किट तक था. क्रेधान धा गत दी किट तक था. ओके, सो ये सेक्शन ऐसे हुआ. फिर जो नेक्स्ट इसका एंडिंग सेक्शन है धीरे धीरे किट तक तक किट धा तित धा धीरे धीरे किट तक तक किट धा तित धा धीरे धीरे किट तक तक किट धा तित धा. तो इसको प्रैक्टिस करना है. तो इसके लिए पहले तो अगर धीरे धीरे किसी को नहीं आता हो तो धीरे धीरे पहले वो प्रैक्टिस करें. धीरे धीरे किट धीरे धीरे जिसमें किट तक ना बिल्कुल पीछे मत लाना, बिकॉज जब हम फास्ट बजाएंगे तो किट तक थोड़ा सा आगे ही चाहिए. धीरे धीरे किट तक पहले इतना बजाए जिसको इस फ्रेज में दिक्कत है वो पहले इस फ्रेज को करे. धीरे धीरे किट तक धीरे धीरे किट धीरे धीरे किट धीरे किट. फिर जब ये हो जाए फिर तक किट धा तित धा तक किट धा तित धा तक किट धा तित धा तक किट धा तित धा. सो धीरे धीरे किट तक आपका एंडिंग फ्रेज है. ये तीन बार उसमें हो रहा है तो एज अ शॉर्ट तिहाई. सो धीरे धीरे किट तक तक किट धा तित धा धीरे धीरे किट तक तक किट धा तित धा धीरे धीरे किट तक तक किट धा तित. मैं सिंगल फिंगर से तित ले रहा हूँ, आप चाहो तो थ्री फिंगर्स से भी ले सकते हो. पार्ट प्रैक्टिस पहले करनी है, लगातार लगातार एक एक पार्ट को प्रैक्टिस करते जाना है, और फिर जब तीनों पार्ट आपको लगे कि कंफर्टेबली आ रहे हैं देन, और पढ़ंत अगर आपको अच्छे से याद हो गया है देन. अच्छा, पढ़ंत करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, तीन ताल बजा के हाथ पे तीन ताल बजाइए और पढ़ंत करिए. सो कैसे देखिए, सो तीन ताल चलेगा धा धिन धिन धा, बेसिक तीन ताल, कुछ उसमें फिलर्स देने की जरूरत नहीं है. सो टे टे घे घे ते टे क्रे धे ते टे घे घे ते टे क्रे धान धा गत दी किट तक ता धीरे धीरे किट तक तक किट धा धीरे धीरे किट तक तक किट धा क्योंकि तीन ताल का कॉम्पोजिशन है. तो तीन ताल के साथ तीन ताल बजा के अगर इसका पढ़न बिल्कुल एफर्टलेसली कर पाएंगे, एक बार नहीं बार बार, दो बार तीन बार चार बार पांच बार, गलती हो सकती है. पहले स्लो करिए, बिल्कुल स्लो स्लो करिए, फिर धीरे 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 स्पीड पिकअप करिए. सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, जिसको पूरा याद नहीं हुआ फिर फर्स्ट टू लाइन्स करो फिर सेकेंड टू लाइन्स करो, ठीक है, ऐसे 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 करके भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से तीन ताल के साथ भी पढ़ंत करना है. उससे क्या होता है कि हमारा हर एक मात्रा में क्या क्या बोल बैठ रहा है बिल्कुल वो सॉलिडिफाई हो जाता है. ये नहीं है कि अच्छा सिर्फ मैंने स्टार्ट कर दिया अब मेरे को एंड में आके सम से मिल जाना है, वैसा नहीं. उसमें तो बीच में झूलता रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है. सो ये फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाए फिर एज अ होल आप टुकड़ा को पूरा विजुलाइज कर सकते हैं. सो मैं पूरा बजा के दिखाता हूँ, पहले स्लो में. कट कम से कम 10 बार बैक टू बैक बजाइए, तब जाके ये बैठेगा, मतलब और हाथ पे भी बैठेगा, मन में भी बैठेगा, एंड हैंड्स भी यूज्ड टू हो जाएंगे फ्रेज के. एक बार बजा के नहीं छोड़ देना. यू हैव टू प्ले इट फॉर 10 टाइम्स 20 टाइम्स बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक. सो मैं थोड़ा सा स्पीड लेके बजाता हूँ. But
प्रैक्टिस करना है, फिर लय थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा। प्रैक्टिस करिए आप लोग, रियाज करिए इसका, एंड कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछिए, और अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो तो वीडियोस भी भेजिए प्लीज़ रिकॉर्ड करके कि आप लोगों ने कैसे प्रैक्टिस किया। ओके, सो मैं बहुत ही इंस्पायर होऊंगा अगर आप लोग इससे कुछ भी हेल्प ले पाए तो, एंड मैं और कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, तो इसको रियाज करिए एंड मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।